और सबसे बड़ा जो लोगों का क्वेश्चन होता है कि गुरु को ढूंढना कैसे, क्योंकि पहले सोर्सेस बड़ी लिमिटेड थी, लोगों को पता चलता था उस शहर में ये गुरु आए हैं, चलो जाके सुनते हैं, मिलते हैं। और अभी वो शहर आपके हाथ में, बेसिकली फोन के थ्रू आप किसी को भी सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, और जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उतनी कंफ्यूजन भी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये कैसे पता चले किसको सुने, और अगर 10 को सुन रहे हैं उसमें से अगर गुरु चुनना है तो किसको चुने? इसमें बेटा बहुत बड़ी बात आपने पूछी है। हम गुरु को कैसे ढूंढें? सबसे कठिन कार्य है। गुरु हमें ढूंढ लें, सबसे आसान कार्य है। गुरु के लिए शारदा तिलक एक हमारा बहुत बड़े ग्रंथ है, उसमें कुछ चीज़ें कही हैं, और मैं अपने अनुभव की बात भी कहता हूँ कि जहाँ चमत्कार होते हों, जहाँ टेम्परेरीली कुछ ऐसा होता हो जादू की तरह होता हो, तो वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए, वहाँ आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा। आप जहाँ जाएं, आपको लगे कि मैं अपने गुरु को सब कुछ कह सकता हूँ, सच में गुरु मेरी माँ भी है, गुरु मेरा पिता भी है, गुरु मेरा सखा भी है, गुरु मेरी सखी भी है, गुरु मेरा भगवान भी है, जब ऐसा लगे कि मैं तो इस व्यक्ति को कुछ भी कह सकता हूँ, ये व्यक्ति मेरा अपना है, मेरे से कभी नाराज नहीं होगा, मेरा कभी भी फायदा नहीं उठाएगा, मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा, मेरा सदा भला सोचेगा, इसको मैं अपनी बात कह सकता हूँ। जैसे ही आप किसी व्यक्ति के पास जाएं, आपको कुछ कहना ना पड़े, आपके सब जवाब मिल जाएं, तो आपके गुरु हैं, जिनके चरणों में जाने से शांति का अनुभव हो, शालीनता का अनुभव हो, आपको लगे मैं अपने घर आया हूँ, वो आपके गुरु हैं।